हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 गैंगस्टर इन करनाल हरियाणा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर करनाल पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, करनाल पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में दिन रात जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है करनाल के कुख्यात गैंगस्टर अंकुश कमालपुर का। अंकुश कमालपुर करनाल के गाँव पुटेडा का रहने वाला है। अंकुश पर हत्या के प्रयास और मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंकुश कमालपुर वर्ष 2019 से जेल में बंद था और अपनी गैंग का संचालन जेल से ही करता था। अंकुश की गैंग को जेल के बाहर अंकुश का चचेरा भाई सुमित उर्फ मीतू और उसके दूर का रिश्तेदार वीरेंद्र चला रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले जब अंकुश जमानत पर बाहर आया था, तभी उसने एक आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथी सदस्यों को वारदात करने की सूचना दी थी। इसके बाद इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पुंडरी में एक व्यापारी से फायरिंग पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 5 आरोपित को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले करनाल जेल में बंद कमालपुर गांव के अंकुश को प्रोडक्शन वारंट पर कैथल लाया गया था। इसके बाद आरोपित को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल अंकुश जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है करनाल के कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ खीरा का। सुनील उर्फ खीरा करनाल के कर्ण विहार का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। गैंगस्टर सुनील उर्फ खीरा पर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में हत्या के प्रयास, लूट, स्नैचिंग के 15 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गैंगस्टर सुनील उर्फ हीरा यमुनानगर जेल में बंद था। 28 मई को एक हत्या के मामले में उसे जगाधरी पुलिस करनाल कोर्ट में लेकर आई थी। जब उसे वापस जगाधरी पुलिस लेकर जा रही थी तो नए बस स्टैंड पर बदमाश खीरा के साथी सदस्यों ने पुलिस की आंखों में मिर्च स्प्रे की और पुलिस कर्मचारियों पर गोली चलाकर खीरा को छुड़वाकर फरार हो गए। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसके बाद खीरा ने अपने फेसबुक पेज पर अपना रिवॉल्वर लिए फोटो अपलोड किया, जिसके बाद साइबर टीम जांच में जुटी हुई है। काफी कोशिश के बाद भी खीरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। आपको बता दें कि गैंगस्टर खीरा और उसके साथी सदस्यों ने राजस्थान के सूरतगढ़ में एक छात्र नेता की हत्या करने पहुंचे थे। गोली मारकर जब वह फरार हो रहे थे तो उन्हें लोगों ने पकड़ लिया था और धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहां पुलिस ने गैंगस्टर सुनील उर्फ खीरा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है करनाल के कुख्यात गैंगस्टर नीरज पुनिया का। नीरज पुनिया करनाल के गांव फूसटगढ़ का निवासी है। नीरज पुनिया पर हत्या के प्रयास और लूट डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीरज पुनिया ने 21 जनवरी 2014 को सेक्टर 6 की कोठी नंबर 1538 में अपने दोस्तों के साथ बैठे एक युवक अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अमित के केस में मुख्य गवाह बने अमित के चचेरे भाई विकास कॉलोनी निवासी नीरज की भी 18 दिसंबर 2014 को नीरज पुनिया ने हत्या कर दी थी। नीरज पुनिया उसी समय से फरार चल रहा था। एक खास मुखबिर की सूचना पर 5 लाख के इनामी गैंगस्टर नीरज पुनिया को इन मामलों में गिरफ्तार कर कुरुक्षेत्र जेल में डाल दिया गया था। पुलिस नीरज पुनिया को कुरुक्षेत्र से करनाल कोर्ट हत्या व लूट के मामले में पेशी के लिए लाई थी। कोर्ट में ही हत्या के इरादे से बैठे बदमाशों ने नीरज पुनिया पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर घायल कर दिया, जिसमें एक पुलिस गार्ड भी घायल हो गया, जिससे कोर्ट में हड़कंप मच गया। उसी समय से गैंगस्टर नीरज पुनिया जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है करनाल के कुख्यात गैंगस्टर जबरा उर्फ जबर सिंह का। जबरा करनाल के गांव लाडवा का रहने वाला था। जबरा उर्फ जबर सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती के 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। करनाल पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरा अंजनथली गांव के पूर्व सरपंच सुरेश उर्फ बबली और दादूपुर निवासी विकास उर्फ पिंटू की हत्या
हत्या का मुख्य आरोपी था। बबली की 29 जुलाई 2018 को उसके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि विकास की 17 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि क्रुक क्षेत्र में एक और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जबरा पैरोल जंप कर गया था। करनाल पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक गुप्त सूचना के बाद गैंगस्टर जबरा एक चौक पॉइंट को देखकर बड़ा गांव के जंगलों की ओर भागने की कोशिश की। बड़ा गांव मुगल माजरा मार्ग पर पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान बदमाश का वाहन नाले में फंस गया। गैंगस्टर को पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन जबर सिंह ने पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसमें एक बुलेट प्रूफ पहना सिपाही घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोलियां जबरा उर्फ जबर सिंह को जा लगी। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है करनाल के कुख्यात गैंगस्टर कप्तान सिंह का। कप्तान सिंह कृष्ण पहलवान गैंग का सक्रिय सदस्य है। कप्तान सिंह करनाल के गांव रंगरूटी खेड़ा का रहने वाला है। कप्तान पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कप्तान सिंह की गिरफ्तारी पर करनाल पुलिस ने 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की हुई है। कप्तान सिंह का नाम चर्चा में जब आया, जब इसने एक शादी में विरोधी गुट से कहासुनी हो गई, कही कहासुनी रंजिश का काम बन बैठी। जब विरोधी पक्ष के 8 दिसंबर को एक शादी में गाड़ी में सवार होकर जा रहे व्यक्तियों की ब्रह्मानंद चौक पर गाड़ी को अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी व्यक्तियों को गोली से भून दिया गया, जिसमें कप्तान सिंह मौके से फरार हो गया था। बड़ी कोशिश के बाद पुलिस ने तीरे हत्याकांड के आरोपी कप्तान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद यह जमानत पर बाहर आया और जमानत जंप कर फरार हो गया। फरारी के बाद इसने वर्ष 2005 में रोहतक कोर्ट में अनूप पहलवान की हत्या कर दी थी। इसमें भी यह फरार चल रहा था। पुलिस लगातार सेक्टर 16 स्थित ब्रह्मानंद चौक पर हुए ट्रिपल हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी कि इसी बीच कप्तान ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 गैंगस्टर इन करनाल हरियाणा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।